अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे ट्रेडिशनल गुजराती पात्रा की रेसिपी। स्टेप बाय स्टेप बहुत ही आसान तरीके से आपको सिखाऊंगी, तो आप भी एक बार ज़रूर बनाइए और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसे लगी। तो प्लीज़ अच्छी लगे वीडियो तो लाइक शेयर ज़रूर करिए। तो आइए देखते हैं कि इसके लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है। ये 500 ग्राम पात्रे हैं, वह मोटी साइज़ के। इसे मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है। अब हम इसके बीच की जो डंडी है उसे निकाल देंगे और साइड में जो रेशे हैं बारीक वाले उसे भी निकालेंगे। ये स्टेप करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि जब हम बेसन का घोल लगाएंगे तो इसे मोड़ने में आसानी हो। तो ये स्टेप स्किप ना करें, इसे ज़रूर करें। अब हम कुछ हरे मसाले लेंगे। ये इसमें मिर्ची, लहसुन और अदरक एक टुकड़ा और ज़ीरा है। हम इसे बारीक पीस लेंगे। अब ये कुछ सूखे मसाले हैं जिसमें हमने गरम मसाला लिया है आधा चम्मच, धनिया पाउडर 1 चम्मच, हल्दी पाउडर 1 टेबल स्पून, मिर्ची पाउडर 1 चम्मच, और ये 3 चम्मच चीनी है। अब हमने 500 ग्राम बेसन लिया है, इसमें हम सारे सूखे मसाले डाल देंगे। इसमें नमक भी ऐड किया है, हम दिखाना भूल गए। अब हम डालेंगे चीनी, और जो पेस्ट तैयार किया था वो भी डाल देंगे। ये आधा नींबू है, इसे भी निचोड़ लेंगे। आप चीनी और नींबू की जगह जैगरी यानी गुड़ और इमली का पल्प भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे भी बहुत टेस्टी बनते हैं ये पात्रे। तब हम इसे मिला लेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे ताकि इसमें लम्स ना पड़े और इसका एक मुलायम बैटर तैयार करेंगे। ना ज़्यादा पतला ना ज़्यादा ठीक। अब इसमें हम 2 टेबल स्पून तेल डालेंगे। इसे भी अच्छे से मिला लेंगे। थोड़ी सी हरी धनिया,
इसे भी ऐड कर लेंगे। तो अब हमें पत्ते के पीछे का जो भाग है उस पे बैटर लगाना है, ज़्यादा थिक नहीं लगाना है। हम हाथ की मदद से इसे लगाएंगे। अब हमें दूसरा पत्ता पहले वाले पत्ते के अपोजिट साइड रखना है। इसे भी हम बैटर लगाएंगे। देखिए मैंने किस तरीके से रखा है। इस पे भी हम बैटर लगाएंगे। अब जो पहला पत्ता रखा है हमने उसी डायरेक्शन में तीसरा वाला भी पत्ता रखेंगे उसी डायरेक्शन में, और इसे भी बैटर लगाएंगे। देखिए अब तीसरे पे भी बैटर लग चुका है, और हम इसे अभी साइड से फोल्ड करेंगे। दोनों साइड से इसे फोल्ड करना है और इस पे भी बैटर लगाना है ताकि ये अच्छे से फोल्ड हो सके। देखिए अब इस तरह से टाइटली रोल फोल्ड करें। अब ये रोल तैयार है। अगर ऐसा लगे ना थोड़ा नहीं चिपक रहा है तो इस पर और बैटर लगाए। अब मैंने स्टीमर गरम करने रख दिया था। इसमें हम बने हुए पात्रे जो मैंने तैयार किए थे वो रख देंगे। इसे आधे घंटे के लिए स्टीम करेंगे। आधा घंटा हो चुका है तो अब हम देखेंगे कि ये पक चुका है या नहीं। इसको एक सुई की सहायता से हम चेक करेंगे कि इसमें बैटर चिपक रहा है या नहीं। तो देखिए हमारी सुई क्लीन है तो इसमें बैटर नहीं चिपका। तो अब हम इसे उतार लेंगे और आधे घंटे के लिए ठंडा करेंगे।
तो आधा घंटा हो चुका है और मैंने कुछ पात्रे पहले से ही कट करके रख दिए हैं। आप बाकी बचा हुआ पात्रा इसी तरह से कट करेंगे। अब एक कढ़ाई में तेल गरम करेंगे। इसे शैलो फ्राई करना है, आप चाहे तो डीप फ्राई भी कर सकते हैं, पर मुझे शैलो फ्राई करना है तो मैं थोड़ा सा ही तेल डालूंगी। अब एक एक करके सारी बड़ी को रख दूंगी। इसे गोल्डन होने तक तलूंगी। एक साइड से अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो जाए फिर हम दूसरी साइड पलटेंगे। देखिए गोल्डन कलर आ चुका है। हम इसी तरह सारे पलट लेंगे। तो अब ये रेडी है, इसे हम सर्व करेंगे। तो हमारे पात्रे अब खाने के लिए तैयार है। मैंने केचप के साथ सर्व किया है, आप इसे ग्रीन चटनी के साथ भी खा सकते हैं। तो आपको अगर ये रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे दूसरी रेसिपी के साथ, तो तब तक।